एसएसपी वेस्ट कराची का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक औरंगी सेक्टर 8 में खातून और बच्चे के जख्मी और एक बच्चे के जांबहक होने का वाकया जाती दुश्मनी का शाख्साना है। क्या मामला है अफजल खान से जानते, बताइए अफजल। बिल्कुल, एसएसपी वेस्ट से तारिक लाई मस्तोई का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शाख्साना है और इस वाकये में करीबी रिश्तेदार ही मुलविस बताया जा रहा है। मुतासरा फैमिली की जानिब से पुलिस को अहम मालूमात फराम कर दी गई है। मुबैना तौर पर जो तशद्दुद करने वाला मुलजिम था उसने खुद ही फोन करके इत्तला दी थी। इसके बाद जो एसएसपी वेस्ट है उनकी जानिब से एक टीम तश्कील दी गई है और उन्हें हिदायत की गई है कि वो जल्द अज जल्द इस वाकये में मुलविस मुलजिमान को गिरफ्तार करे, जबकि जो पुलिस है उसने क्राइम सीन यूनिट की मदद से जाए वकवा पर जो शवाहिद थे वो भी जमा कर लिए हैं ताकि जब मुलजिम को गिरफ्तार किया जा सके तो उसके खिलाफ ठोस केस बनाया जा सके। ठीक है अफजल खान, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। और इसी वाकये के बारे में पड़ोसियों का कहना है, वाकये के वक्त घर में खातून और शीखा और बच्ची समेत 3 बच्चे मौजूद थे। एक बेटी स्कूल से घर पहुंची तो बहन भाई को जख्मी हालत में देखा, बच्ची रोते हुए घर से बाहर आई और पड़ोसियों को आगाह किया। बड़ी वाली वो स्कूल से जैसे ही आई है पढ़कर तो वो घर में गई है, तो उसने आके बोला कि वो जो मेरा भाई है उसका खून निकल रहा है, जाके देखा तो एक बच्चा ही है और इसकी छोटी बहन बच्ची जो है वो वहाँ पर पड़ी हुई थी और उनके खून वगैरह निकल रहा था, सांस उनकी चल रही थी, वालदेश के ऊपर पड़ी हुई थी वो भी जख्मी हालत में। 2 बच्चे जमीन पे थे और एक लेडीज ऊपर। 3 भाई है, तीनों अलग अलग पोर्शन।